देखिए दोस्तों, इस तरीके से गेरू से हमारे यहाँ दीवार पर बनाया जाता है चित्र। देवशानी एकादशी वाले दिन बहुत अच्छी तरीके से करी जाती है पाठ पूजा। हम ये चित्र बनाते हैं, इसमें कोठी की तरह बनाते हैं जिसमें कि विष्णु भगवान होते हैं और जिसमें चारों कोनों पे सतिया खड़े होते हैं और इसमें सूरज चंद्रमा सब होते हैं और जितने परिवार वाले होते हैं उनके पैरों के निशान इसमें नीचे बनाए जाते हैं और गाय के खुर बनाए जाते हैं दोनों तरफ और सूर्य चंद्रमा तो बनाते ही बनाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही गा गा के देवों को जगाया जाता है और उनके सामने गेहूं भर के रखे जाते हैं एक उसमें और उसके ऊपर रखी जाती है जोत और मूली और सिंघाड़े जो आपकी मर्जी आप रख सकते हैं। फल फ्रूट से इसे ऐसे मतलब सामने रख देते हैं थोड़ा सा नेक के लिए और हमारे यहाँ बनते हैं जवा। जवे से हम इन्हें पूजते हैं। तो आज है तुलसी विवाह और तुलसी विवाह भी है, एकादशी भी है और आज देवशानी एकादशी है। तो जल्दी जल्दी से मैं सारे काम कर रही हूँ। दोस्तों कल हम गए थे गंगा जी, तो गंगा जी जाकर थोड़ी सी थकान हो गई थी और मुझे आज हम पूरे दिन फास्ट रहा, घर का भी थोड़ा बहुत काम था, बाहर का भी बाजार का भी काम था। इसी चक्कर में मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे काम कर रही थी और फटाफट से मुझे लग रहा था कि भाई अभी तुलसा जी का कन्यादान भी निकालना है और फटाफट से मैंने जल्दी जल्दी सारे काम करे क्योंकि दिन में मुझे मार्केट भी जाना पड़ गया। हमारे यहाँ से मार्केट थोड़ी दूर है तो सभी अपने देखते हैं कि किस तरीके से हम फटाफट से जल्दी जल्दी काम करते हैं और जल्दी से हम जाते हैं तुलसी विवाह में। पहले मेरे को दीपदान करना है क्योंकि मैं गई थी गंगा जी और कार्तिक का है आखिरी दिन, कार्तिक भी नहीं हूँ तो आज दीपदान करना है। और मैं गंगा जी से वहीं से खरीद लाई थी पीतल का दीपक। तो और इसमें गाते हैं गीत, उठो देव जागो देव आओ देव, इस तरीके से मैंने भी अपनी जो जिस तरीके से पूजा होती है पूजा अपनी पूरी करी और उसके बाद फटाफट से जलाई तुलसी में जोत। और इस दिन तो बहुत ही शुभ दिन है, हमारे यहाँ भी है मंदिर में तुलसी जी का विवाह। इस पूजा करके खत्म, हम चलते हैं मंदिर। देखिए इस तरीके से आज तुलसी विवाह में आप जो भी हो कन्यादान कर सकते हैं। तो मैंने विधि चूड़ी सिंगार का सामान साड़ी और ऐसे दिया अर्पित करते हैं, दिया अर्पण करते हैं। तो जो भी आपकी मर्जी हो वो सामान आप दे सकते हैं, मैंने तो यही निकाला है। निकालेंगे थोड़े से पैसे आप। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग, होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मा ब्लॉग में। जैसा कि आपने देखा मेरी पाठ पूजा, आज है देवशानी एकादशी। तो सबसे पहले तो आज एकादशी का फास्ट है, दूसरा कार्तिक है, तीसरा तुलसी विवाह है। तो सारे ही कार्य आज हैं तो इसलिए भगदड़ में सारे काम थोड़े जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो आज मेरे को दीप अर्पण भी करना है क्योंकि कार्तिक भी नहाए हैं हम लोग और हम गंगा जी भी गए थे। तो मैंने पीतल का दिया खरीद लिया और दीपदान करा। इस तरीके से मैं जा रही हूँ मंदिर, तो चलिए मंदिर में करते हैं एंजॉय। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मंदिर में जाकर अपना जो दीपक का काम है वही कार्य कर लेती हूँ। फटाफट से मैं गई मंदिर और वहाँ पर मैंने अपना जो दीपदान करना था वो कर दिया। टाइम कर सकते हैं आप, चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी शाम की पूजा भी कर ली थी और घर पर भी पूजा कर आ गई थी और बाहर हो रहा है तुलसी का विवाह। तो जल्दी से पूजा पाठ करके चलो चलते हैं, करते हैं सबको ज्वाइन, वहाँ पे हो रहा है तुलसी विवाह। किस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ पंडित जी करा रहे हैं तुलसी विवाह। तो चलिए करते हैं रसिया से मैं वारी वारी यहाँ पर हो रहा है तुलसी विवाह और करा जा रहा है कन्यादान। तो जो भी लेडीज अपना अपना कन्यादान लाई हैं सब तुलसी जी को हल्दी लगा रहे हैं और इस तरीके से अपना कन्यादान सब दे रहे हैं। जो भी जिसका सामर्थ्य है सभी यहाँ पर लगी हैं लाइन। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से हो रहा है कन्यादान का कार्य। Yeah.
शादी ब्याह है वो शुभ कार्य जितने भी हैं आज से वो शुरू हो जाएंगे। और आज से ही सबसे पहले तुलसी विवाह से शुभ देवशाली का से ही देव जाप जाते हैं और इस तरीके से करी जाती है शादी ब्याह शादी ब्याह पाठ पूजा। तो आज से सारे शुभ कार्य शुरू हो गए। तुलसी जी के फेरे हुए और अब आगे के मंत्र।
सबको मिला प्रसाद और मैं प्रसाद लेकर लौटी अपने घर को। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तो इस तरीके से मैं प्रसाद लेकर लौटी अपने घर को।